40 रुपए किलो। दोस्तों आज हम लोग ये दो तरह का करेला लिए, करेला लीजिए 40 वाला तेज। स्कॉर्पियो लीजिए यात्री करेला 40 वाला तेज। ₹70 का मात्र सब्जी खरीदे थे दोस्तों बाजार में, और आज बेचे दोस्तों, तो आज जो है लगभग हम लोग कल लगभग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विकास सब्जी वाला आप सभी का दिल से स्वागत करता है और नई वीडियो में। दोस्तों सुबह का 6 बज रहा है, आप सभी को दिल से गुड मॉर्निंग। और दोस्तों हर दिन की तरह हम लोग गोला सब्जी मंडी जाने वाले हैं सब्जी खरीद के बेचने के लिए। और माँ देखिए दोस्तों, अभी आलू का सब्जी सुबह सुबह भी बना रही है, क्योंकि हम लोग को जल्दी बनाने का रहता है दोस्तों, खाना बना के बाजार जाने का रहता है। इसीलिए दोस्तों अभी जाएंगे हम बाजार, और पापा जाएंगे और माँ जो है खाना बना खाएंगे। दोस्तों हम लोग बड़ा सब्जी मंडी में दोस्तों बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं दोस्तों सब्जी खरीदने के लिए, अपने जिंदगी के रोजमर्रा के चीज खरीदने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, जैसे कि बिजेरिया ब्लॉग्स, रंगीला फैमिली ब्लॉग्स, साइंस वाला शंकर, रमेश राज, आनंद ए3, ये बहुत सारे यूट्यूबर दोस्तों आते हैं बड़ा सब्जी मंडी में अपना सामान खरीदने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी यूट्यूबर हैं दोस्तों सब जो है गोला प्रखंड के ही रहने वाले हैं। क्या गाड़ी में आते हैं ना यूट्यूबर से बड़े हुए ना, तो चलिए दोस्तों हम फिलहाल बाजार चलते हैं। मान जा रहे बाजार, आप आइएगा, देखते हैं आज क्या क्या खरीद पाते हैं। सो दोस्तों आंगन में निकल चुके हैं, और आप देख सकते हैं गांव घर में किस तरह से पाला जाता है पशुओं को, जा रहे हैं। और देखिए इस तरह से कुछ हम लोग का गांव है दोस्तों। चलिए दोस्तों बाजार चलते हैं, और घर से निकल चुके हैं, देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों बाजार पहुंच चुके हैं, और देख लीजिए इधर सबको अपना अपना दुकान खोल रहा है लोग का। मीडियम दुकान है ना, छोटा भी बोल सकते हैं ना बड़ा भी बोल सकते हैं। तो हम लोग भी देखिए अपना जगह मटियाए हैं बाजार में, तो देखिए इस तरह से बांध रखते हैं बचा हुआ सब्जी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अपना दुकान पहले लगा लेते हैं सुबह में, उसके बाद जाएंगे कुछ सब्जियाँ खरीदने के लिए दोस्तों। तो ब्लॉग बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों से विनम्र विनती है दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए दोस्तों फटाफट दुकान लगाते हैं। दोस्तों तिरपाल खोल चुके हैं, अब झाड़ू लगा लेते हैं पहले। दोस्तों अपना दुकान लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज हमको भी पता नहीं कितना का सब्जी हम खरीदने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अब सब्जियां खरीदते हैं, सुबह का वक्त है, और बाजार में अभी बिक्री कम है, तो दुकान अभी जल्दी नहीं खुलता है, सब कोई लेट से खोलता है। देखिए भाईजान, देखिए अभी लेट से खोल रहे हैं, क्योंकि बिक्री नहीं है उतना दुकान बाजार में, इसीलिए। और देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग का बाजार लगता है, रेक्टेंगल एरिया में लगता है। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ लेते हैं। तो दोस्तों भैया के पास में टमाटर ले लिए हैं, 12 रुपये किलो लिए हैं, देखते हैं 15 बिकता है कि हम लोग का खुदरा। दोस्तों हम लोग अपना टमाटर ला चुके हैं, और भैया के पास में लिए हैं, 12 लिए 11 मांग रहे थे लेकिन नहीं दिए, कोई बात नहीं क्या भैया, 12 लिए 15 बेचेंगे, इनका भी 2 पैसा बचना चाहिए। चलिए भैया दोनों को लगाते हैं फटाफट, है ना। दोस्तों हम लोग अपना टमाटर कैरेट में लगा चुके हैं, क्या भैया? हाँ भैया। भैया बहुत दूर से आए हैं, सागरामपुर हम लोग का यहाँ से बोलते हैं, 10-15 किलोमीटर होता है गोला सब्जी मंडी से, तो पहाड़ी क्षेत्र से है ना भैया? पहाड़ जंगल है पूरा का, रामगढ़ जिला का लास्ट बॉर्डर है। जिस तरह से रंगीला फैमिली ब्लॉक जो है रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के लास्ट बॉर्डर में, उस तरह से इन लोग भी है ना भैया। चलिए भाई मिल लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग और कुछ कुछ लेते हैं, और अब टमाटर में बेचेंगे। दोस्तों सुबह का जो है 10 बज चुका है, और माँ भी घर से आ चुके हैं, और आज हम लोग जो है 2770 रुपये का सब्जी खरीदे हैं, देखते हैं आज बेचने पर हम लोग का कितना प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आज दो तरह का करेला खरीदे हैं पहली बार, आज लंबा करेला भी खरीदे हैं और एक गुच्छा करेला भी खरीदे हैं। लंबा करेला ज़्यादा तीता लगता है, ये झिंगी लिए हैं, तोरई यानी कि रिज गोर्ड लिए हैं, लेडी फिंगर लिए हैं, भिंडी, टमाटर लिए हैं, पटल लिए हैं, और नींबू है, धनिया है,
और गुच्छा करेला थोड़ा ज्यादा ले लिए 20 किलो। आज लगभग जो है 2770 रुपये का सब्जी खरीदे और माँ भी घर से आ चुके हैं, तो अब चलिए बेचना शुरू करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से लगता है हम लोग का बाजार, और व्यापारी सब देखिए पिकअप में भर भर के ले जाते हैं, और इधर भी देखिए लगता है पिकअप में भर भर के ले जाते हैं व्यापारी लोग। तो चलिए अब अपना बेचना शुरू करते हैं। तो देखिए इधर दादी बेच रहे हैं, करेला लीजिए 40 रुपए किलो। दोस्तों आज हम लोग लिए तो दो तरह का करेला लिए, एक लंबा करेला भी लिए, गुच्छा करेला भी लिए। तो इधर ज्यादा कीड़ा लगता है, थोड़ा कम कीड़ा लगता है, कस्टमर का दो तरह का पसंद रहता है। क्या कहता है, कोई लंबा वाला भी लेता है, कोई गुच्छा वाला भी लेता है, देखते हैं कौन जल्दी खत्म होता है। दोस्तों 11:30 बज चुका है और आज हम लोग का जो आलू है सोयाबीन आया है और टमाटर का चटनी आया है। दोस्तों खा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर बेचेंगे दोस्तों। चलिए खाते हैं दोस्तों, खाना खा लिए हैं, अब चलिए बेचना शुरू करते हैं दोस्तों। आइए आइए, करेला लीजिएगा, कुछ लीजिएगा, टमाटर 1 किलो 15, हेलो भिंडी 30 रुपये, भिंडी 27 रुपये जमा हो गया है। और अब इधर जो है लगभग वही 12 बज गया है दोस्तों, तो अब हम लोग का सारा सब्जी उठा के ले जाना पड़ेगा दूसरा तरफ, दूसरा जगह ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इधर कस्टमर नहीं आएंगे। क्या माँ, चलिए अब उठा के ले चलते हैं सब सारा सब्जी। दोस्तों अपना सारा सामान हम लोग इधर ला चुके हैं और इधर का नजारा आप कुछ देख सकते हैं, इस प्रकार से रहता है। इधर जो है मेन रोड के समीप में थोड़ा हम लोग आ जाते हैं और कुछ इस प्रकार से दुकान लगता है। देखिए टोकरी उकरी का भी हम लोग का सब्जी दुकान, देखिए इधर लगता है इस प्रकार से दुकान लगता है पूरा हम लोग का। 20 रुपया बेचना शुरू करते हैं, देखते हैं शाम तक खत्म होता है। हम लोग करेला लिए हैं, दो टाइप का ले लिए हैं, इधर गोल एक से एक आदमी लोग काम करे वाला आपको। टमाटर 15 रुपये। सबसे पहले गुच्छा वाला करेला बिका, करेला लीजिए 40 वाला तेज। देखते हैं रात 8 बजे तक बिक्री खत्म होता है कि नहीं, तो करेला खत्म कर देंगे खरीद रेट में भी। करेला लीजिए 40 वाला तेज, ताजा करेला एक नंबर, करेला खाइए और स्वस्थ रहिए, सुगर नहीं पकड़ेगा, सुगर क्यों रहिए एकदम जाति करेला 40 वाला तेज, ज्यादा टेस्ट करेला, करेला 40 वाला तेज़ बचा हुआ सस्ता लगा दिया।
दोस्तों शाम 6:30 बज चुका है और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा बचा है हम लोग का करेला। देखिए गुच्छा करेला हम लोग का पहले बिक के खत्म हुआ दोस्तों, गुच्छा करेला पहले बिक के खत्म हुआ और लंबा करेला बाद में बिका है। और गुच्छा करेला 20 किलो था लेकिन बिक गया, अगर थोड़ा सा बच गया तो खैर की रकम बच गई है। अब देखते हैं बिकता है कि दोस्तों रात का 8 बज चुका है और हम लोग का सारा सब्जी खत्म हो गया, देख सकते हैं आप। करेला हम लोग का नहीं है, दूसरा कोई का बगल वाला दिया बेचने के लिए, हम लोग का खत्म हो गया इसीलिए। तो अब दोस्तों हम लोग घर चल रहे हैं, अब इसको भरना होगा और घर में मिलते हैं दोस्तों फटाफट। दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं और रात का 9 बज चुका है और माँ और हम दोनों को मिलकर दोस्तों पैसा गिने हैं। और आज दोस्तों जो है 2770 रुपए का मात्र सब्जी खरीदे थे दोस्तों बाजार में और आज बेचे दोस्तों। तो आज जो है लगभग हम लोग का लगभग 450 रुपए फायदा हुआ है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा सब्जी खरीदते हैं, ज्यादा सब्जी खरीदने से बिकता नहीं क्या, अभी लगन का टाइम इसीलिए ना। तो और सब्जी का भी रेट बढ़ गया है दोस्तों, तो कस्टमर भी सस्ता खोजते हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा में ये भी थोड़ा ज्यादा फायदा हो गया है, लगभग बहुत दिनों बाद दोस्तों हम लोग को 450 रुपए मात्र फायदा हुआ है क्या। और अभी दोस्तों हम लोग खाना वाना कुछ नहीं खाए, तभी पैसा गिन लिए हैं दोस्तों, उसके बाद अभी दिन का जो चावल बचा वही लोग खाना वाना खाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से अब विदाई लेता हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और आप लोगों से मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, मेरी माँ का मेहनत अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।